श्री सुरेश शर्मा, निदेशक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, श्री राहुल। मोबाइल कहाँ बताइए आप। और हमारे गुरुदेव भी हैं। मैं श्री सुरेश शर्मा, निदेशक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिनका कि अपना खुद का एक रंग है, उन्हें मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। शराब पाएं और अपनी भावनाओं को रखें अपने रंग में। धन्यवाद। दिनकर साहब की इस पावन धरती पे मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथियों एवं दर्शक दीर्घा में विराजमान सभी को मेरा प्रणाम नमन। साथियों, बेगूसराय में ये मेरा दूसरा आना हुआ है। पिछले वर्ष मैं आया था अपनी प्रस्तुतियों के साथ। तीन प्रस्तुतियां इसी रंगे माहौल में हमने की थी। गुंजन जी से हमारी बहुत पुरानी, क्योंकि ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्र भी रहे, मैं रंगमंडल प्रमुख हुआ करता था, बहुत मुलाकात होती थी। इनको पढ़ते हुए, इनको काम करते हुए देखता था। लेकिन जब पिछले वर्ष इस समारोह में सम्मिलित होने का मौका मिला अपनी प्रस्तुतियों के साथ, तो वाकई बहुत अचंभित था। हम बड़े बड़े महानगरों में भी प्रदर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन बेगूसराय के जो दर्शक, वाकई कमाल के दर्शक। मैं अचंभित था कि इतनी लेट नाइट तक की भी हम प्रदर्शन करते थे, लेकिन पूरा हॉल खचा खच भरा रहता था। ये मेरे लिए अचंभे की बात थी। और इस समारोह में मैंने देखा कि जिस तरह से गुंजन जी के साथ पूरा शहर अपना सहयोग देता है, और मैं उनको सलाम करता हूं, जो उनके कार्यकारिणी के लोग हैं, जो उनके साथ जिस पूरे समारोह का आयोजन करते हैं। ये सरकारी तौर पे तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े आयोजन आयोजित हो जाते हैं, सफल और असफल दोनों ही किस्म के होते हैं, ज्यादातर असफल ही होते हैं वो। लेकिन गैर सरकारी तौर पर इस तरह का आयोजन करना, ये सिर्फ गुंजन के अकेले बस की बात नहीं है। इन सब के लिए आप सब लोग भी जिम्मेदार हैं। आप सब लोगों का सहयोग और प्यार उसे मिलता है, तभी वो इतना बड़ा, इतना सफल महोत्सव आयोजित कर पाता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल इस बार आना चाहता था, लेकिन कुछ दिनांकों को, तिथियों को लेकर के थोड़ी सी परेशानी थी, नहीं आ पाया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इस समारोह में दो प्रदर्शनों पे जो भी आने वाला खर्चा है, उसमें अंशदान के रूप में 1,00,000 रुपए की मदद जो है वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करता है, उसकी मैं घोषणा करता हूं यहां से। बहुत ही सुखद अनुभव होता है, जैसे कि आदरणीय रावल जी ने बताया कि इस साल 3 छात्र और इतने सारे स्नातक यहां से निकले हैं। वो सिर्फ इस वजह से ही निकल पाए कि गुंजन जी की जो मेहनत और उनके जो अग्रज रहे, उनकी जो मेहनत रही, और यहाँ के जो अन्य रंगकर्मी हैं उनका जो मेहनत रही, इसीलिए एक जिले से, एक डिस्ट्रिक्ट से 3 लोग एक साथ का चयन किया जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मैं जानता हूँ कि ठंड हो रही है, आप सभी लोग जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उसके बीच में बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं गुंजन जी को और साथ ही उनके कार्यकारिणी के सभी लोगों को और जिन लोगों ने भी इस उसमें समारोह में अपना पूरा योगदान किया है, उसके साथ साथ आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम की, इस समारोह की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।